टीकमगढ़ में प्रशासन ने कलेक्टर के आदेश पर मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित और एक्सपायरी दवा बेचने वालों पर कार्रवाई की, जिसके बाद मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। टीकमगढ़ में SDM और ड्रग इंस्पेक्टर ने शहर के कई मेडिकल स्टोर्स पर नकली और एक्सपायरी दवाओं को लेकर जांच पड़ताल की। सबसे पहले स्टेट बैंक के सामने कटहल मेडिकल में जांच के लिए सैंपल लिए गए। इस दौरान SDM सौरभ मिश्रा ने बताया कि कई दिनों से मिलावटी और एक्सपायरी दवाओं के बेचने की शिकायत ड्रग इंस्पेक्टर से मिल रही थी, जिसके बाद सभी मेडिकल स्टोर से सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि संबंधित दस्तावेज नहीं मिले और प्रतिबंधित दवाओं को बेचा गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा, सभी मेडिकल स्टोर से सैंपल लिए जाएंगे और जांच होगी। ये जो मिलावट के लिए अभियान चल रहा है, तो उसके साथ कलेक्टर सर के आदेश अनुसार SDM सर के निर्देशन में मेरे द्वारा और सर के द्वारा टीम संयुक्त रूप से मेडिकल स्टोर पे किया जा रहा है, सैंपल लिए जा रहे हैं। अभी हम रचना फार्मा से भी 3 सैंपल लिए हुए हैं। अब यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पे जो एंटीडिप्रेसेंट है, जो CNS पर काम करने वाली जो नशीली वाली दवाई रहती है, इनकी दुकान पर ज्यादा अमाउंट करके यहाँ स्टॉक इसमें लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, कलेक्टर साहब के निर्देश पर और हम सभी जो अधिकारी हैं, पूरे जिले में हर विभाग से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो उसी में स्वास्थ्य से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण हमारी दवाइयाँ हैं, जो इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात भी है। कुछ शिकायतें ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से और अन्य सूत्रों के माध्यम से प्रशासन को प्राप्त होती रहती हैं, तो उसके कुछ सैंपल लिए हैं ड्रग इंस्पेक्टर ने। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।